तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरजेएस प्री के लिए टिप्स 2024। तो अब जो जेएनयू के इंटरव्यू के एग्जाम है, आरजेएस के प्री के एग्जाम है, उसमें कुछ चीजें एग्जाम टाइम पे आपको किन चीजों का मेन ध्यान रखना है, मैंने उसके लिए ये वीडियो बनाई है। तो लॉयर्स हैं, जो भी स्टूडेंट इस टाइम कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। ये जो आज मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूँ, ये आपको कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने एग्जामिनेशन हॉल में भी दूसरे बच्चों के साथ में और अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों है टाइम। टाइम मैंने क्यों लिया यहाँ पे कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उसी टाइम में हमें एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और स्मार्टली सॉल्व करना है, ठीक है। तो दूसरी बात होगी मैनेजमेंट। अब उस 2 घंटे में हम कैसे मैनेज करें चीजों को, हिंदी पहले लें, इंग्लिश पहले लें, लॉ पहले लें, क्या पहले पढ़े, तो इसमें आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं पहले वो हिंदी का पेपर करें, कोशिश ये करें, क्योंकि हिंदी अगर आप पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ मुझे इतने में से इतने क्वेश्चन तो मेरे बिल्कुल सही है, तो मुझे आते ही है, ठीक है। उसके बाद आप जाए इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश में भी कुछ फंडे ऐसे होते हैं जो हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कमांड का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया, ये सब हमें आते ही है पहले से, तो ये हम कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश अगर आपने अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं निकाल लिया ना, तो आपको लॉ के पेपर में एकदम नया कुछ नहीं लगेगा, लॉ का पेपर भी आपको इजी लगेगा, क्योंकि 30% पेपर आप कर चुके हैं। दूसरा मैं बात करूंगी फोकस पे और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स स्पेशली। मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ क्यों बात कर रही हूँ, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना, वो तो क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे और आंसर लिख देंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चों को ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है, क्योंकि वो कई बार इंग्लिश भी नहीं समझ पाते और हिंदी भी इतनी ईजी नहीं होती दोस्तों, इसमें टेक्निकल टर्म्स होती हैं, तो हिंदी भी उनके लिए इतनी ईजी नहीं होती कि वो हिंदी पढ़ के दे दें। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लॉ में बहुत अच्छे हैं, लॉ की नॉलेज बहुत अच्छे रखते हैं, लेकिन केवल लैंग्वेज के कारण आपका पेपर बिगड़ रहा है, तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। पहले आप इंग्लिश में पढ़िए, फिर आप हिंदी में पढ़िए। तो दोस्तों आज जब आप दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। फिर उसके ऑप्शंस पे देखिए कि हाँ ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, एक्यूरेसी के साथ काम कर सकेंगे। फिर दोस्तों मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे फोकस की। ये मैंने वर्ड फोकस क्यों यूज किया, तो दोस्तों जब मैंने आरजेएस प्री का एग्जाम किया था, तो वहां पे एक प्रॉब्लम हुई थी एक बच्चे के साथ, एक स्टूडेंट जो थी एग्जाम लेने आई थी आरजेएस की, और एक जो टीचर जिनकी ड्यूटी लगी थी एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो उसके पास ही खड़ी हो गई। तो प्रॉब्लम ये आई दोस्तों कि उसमें वो बच्ची का पेपर छूट गया, क्योंकि एग्जाम सारे टाइम में जो मैम थी उसके पास खड़ी हुई थी, तो उसका फोकस टीचर पे रहा, क्वेश्चन पेपर पे नहीं रहा। तो दोस्तों ऐसे में क्या करें, टीचर को भी हम नहीं बोल सकते कि मैम आप प्लीज वहां चली जाइए, हम हमारी सीट चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करें। तो मीन्स आपको केवल अपने फोकस पे काम करना है। कैसे काम करना है, टीचर खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। आपको किस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर पे आप ध्यान देंगे तो टीचर से ध्यान अपने आप ही हट जाएगा आपका। तो अपना फोकस केवल क्वेश्चन पेपर पे रखना है। थोड़े टाइम आप पेपर इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जो आपको लगता है इजी हो, तो आप उसको अटेम्प्ट करें, जो आपको, क्योंकि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने हैं, सारे अटेम्प्ट करने, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आता हो या नहीं आता। देखिए अटेम्प्ट कर लेंगे तो हो सकता है सही हो जाए, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि आपका सही में से गलत हो जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कोचिंग में कोई नहीं बताएगा, तो इन टिप्स को अगर आप याद रखेंगे ना, तो दोस्तों हो सकता है प्री आपके लिए इजी हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।